मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक देश के तकरीबन सभी हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। गुजरात क्षेत्र, केरल के भी अलग अलग स्थानों में बादल फटने से आफत हो सकती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम ही बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मुश्किल बढ़ सकती है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के तमाम जिलों में भारी बारिश के आसार। तो 13 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान कई राज्यों के लिए जताया जा रहा है, यानी जो स्थिति है वो अभी और खराब हो सकती है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी भी इससे छूटे नहीं रहने वाले, वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। तो कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर बारिश ने किस तरह आपदा लेकर आ गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे वो उत्तराखंड की तस्वीर हो, लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है, शाहजहांपुर हो, मध्य प्रदेश की तस्वीर, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां पानी में से डूब कर जाने को मजबूर हैं। ये अगर हम खटीमा, ये जो उत्तराखंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अगर आप ऊपर से देखिए टॉप एंगल से, तो पूरे के पूरे गांव जो है वो आपको डूबे नजर आ रहे होंगे। और यही अगर हम आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर ये नक्शे के माध्यम से दिखाएं, तो कहां कहां देखिए, चाहे वो उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, यानी तकरीबन पूरे देश में बाढ़ बारिश का कहर है। मूसलाधार बारिश होने की वजह से पूरे के पूरे गांव, खेती सब बर्बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब बात करते हैं पहाड़ की। मैदानों पर भी भारी बारिश से बाढ़ और जलजमाव की समस्या है, लेकिन पहाड़ पर आफत दोहरी होती है। यहां बारिश के साथ साथ पहाड़ टूटने लगते हैं। उत्तराखंड से हिमालय तक बारिश के बाद लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। चमोली के पाताल गंगा में पहाड़ टूट गया, रास्ता बंद हो गया, फिर उससे खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। चमोली में ही बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरे। हिमालय के चंबा में पहाड़ टूट गया, जिससे रास्ते बंद हो गए। पहाड़ों पर बारिश के आते ही पहाड़ तोड़ आफत भी आ जाती। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, और इसकी एक बड़ी वजह सैलानियों की बढ़ती संख्या और पहाड़ों पर भारी भरकम मशीनों से हो रहे विकास कार्य भी हो सकती है, क्योंकि ड्रिलिंग से पहाड़ कमजोर होकर बिखरने से के चांस बढ़ जाते हैं। देखिए, साल 2018 में उत्तराखंड में 496 भूस्खलन की घटनाएं हुई थी, लेकिन 47 लोगों की मौत हुई थी। साल 2019 में 291 भूस्खलन की घटनाएं हुई और 25 लोगों की जान चली गई। साल 2020 में अचानक लैंडस्लाइड की संख्या करीब 3 गुना बढ़कर 973 हो गई और 25 लोगों की मौत हो गई। 2021 में 354 भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें 48 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2022 में 245 बार लैंडस्लाइड हुई। अलग अलग हादसों में 2022 में 39 लोगों की मौत हुई, लेकिन साल 2023 में हैरान करने वाला आंकड़ा आया। अगस्त 2023 तक उत्तराखंड में करीब 1173 भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें 30 लोगों की जान गई। 2024 भी लोगों को अब डर आ रहा है। तो पहाड़ से मैदान तक बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड का ट्रिपल अटैक देखा जा रहा है। उत्तराखंड के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चंबा से लैंडस्लाइड का एक वीडियो आया। वहीं यूपी और बिहार में भी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे के बाद अब हिमाचल प्रदेश के चंबा से लैंडस्लाइड का वीडियो सामने आया है। चंबा के भरमौर इलाके से भूस्खलन की तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार बारिश के बाद पहाड़ कितने कमजोर होते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड गुइनाला से दोनाली मणिमहेश जाने वाले रास्ते पर हुआ यह हादसा, जिसका वीडियो श्रद्धालुओं ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। यहाँ लैंडस्लाइड के बाद कई घंटे तक आवाजाही बंद रही। उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कई घंटे की बारिश ने काशीपुर को पूरी तरह
जलमग्न कर दिया। घंटी के पानी में इतना पानी भर जाता है यहाँ पे, वैसा पानी लगभग भरने के बाद दो घंटे बाद पानी उतरता है, दो ढाई घंटे बाद। देखिए ना, पंप लगा रखे, कूलर के भी पानी निकल पा रहा है, सारा नुकसान हो चुका है। पीछे भी परसों की बारिश में नुकसान हो चुका दुकान में हमारी, बैटरी तक पूरा पानी भर जाता है, दो ढाई फुट पानी दुकान में तो भर जाता है। वहीं यूपी के कई जिले भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। शाहजहांपुर में बाढ़ ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। शहर के दोनों तरफ बहने वाली गर्रा और खन्नौत नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसपैठ करने लगा है, जिससे हजारों लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर दिखे। बाढ़ से हालात कितने बेकाबू हैं, उसे ऐसे समझिए कि लोगों को बचाने के लिए सेना और पीएसी को बुलाना पड़ा है। सेना के जवान बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को पहले सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। उधर प्रतापगढ़ में बारिश के बाद आकाशीय बिजली का कहर दिखा। यहां माणिकपुर इलाके में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से पीड़ित परिवारों में मातम पसरा है। सुल्तानपुर में भी बिजली गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। बुधवार को यूपी में बिजली गिरने से कुल 30 लोगों की जान चली गई। इसीलिए बाढ़ और बारिश से जूझ रहे लोग कह रहे हैं कि हे इंद्रदेव, अब बस करो। उत्तरी बिहार में भी गंडक और कोसी नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। पिपरा पिपरासी तटबंध पर एक बार फिर खतरा मंडराने लगा है। देखिए गंडक नदी कैसे तबाही मचाने पर आमादा है। बगहा के वाल्मीकि नगर से विधायक रिंकू सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाके का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कुछ गड़बड़ी देखते हुए कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। बगहा के साथ शिवहर, सहरसा, गोपालगंज और बेतिया में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत अब जानलेवा साबित होती जा रही है। आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 2 दिनों में बिहार में हालात और बिगड़ सकते हैं। कोसी गंडक, बागमती, महानंदा, परमान जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी और कोसी सीमांचल के कई जिलों में तमाम गांव जलमग्न हो चुके हैं। राज्य सरकार के मुताबिक 2004 के बाद इस साल सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। नेपाल से आने वाली गंडक नदी जब कहर बरपाती है तो बिहार में जिंदगी बचाने की जो जद्दोजहद है वो कितनी बड़ी होती है, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आज तक की टीम इस वक्त पहुंची है जो पिपरासी और ठकराहा तटबंध है वहां पर, और हमारे पास ये जानकारी पहुंची थी कि इस तटबंध के एक स्पर में जो दरार है वो आई है और जो स्पर है वो डैमेज हुआ था। और यहाँ पर हम इस वक्त देखिए ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम आपको थोड़ा आगे चल करके दिखाएंगे जहां पर इस वक्त जल संसाधन विभाग की टीम काम कर रही है। ये वो ढलान है जो धसान हुआ, जिसमें तटबंध जो कच्चा तटबंध होता है मिट्टी का, ये वो इलाका है। और देखिए यहाँ पर इस वक्त काम चल रहा है क्योंकि इस तटबंध को बचाना एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि जब नेपाल की नारायणी नदी बिहार में गंडक बनकर पहुंचती है, और ये हमारे ठीक सामने गंडक नदी है जो इस वक्त तूफान मार रही है। हालांकि यहाँ जल संसाधन विभाग के इंजीनियर मौजूद हैं, टीम मौजूद है, लेकिन ये पूरा कटाव हुआ है तटबंध पे, और आज तक वो पहली टीम है जो इस ग्राउंड पे पहुंची है जहां से हम आपको बता रहे हैं कि दरअसल इस तटबंध को अगर नहीं सुरक्षित किया गया तो गोपालगंज और बाकी जगहें तो गंडक के प्रभाव से इस वक्त बाढ़ का सामना कर रहे हैं, वहां हालात ऐसे हैं। लेकिन पश्चिम चंपारण के 4 ऐसे प्रखंड हैं जो भीषण बाढ़ संकट का सामना कर सकते हैं अगर ये तटबंध नहीं बचा तो। तेज हवा है, बारिश है, और इसके बीच चुनौती है इस तटबंध को बचाने की। सहयोगी अभिषेक पांडे और कैमरा सहयोगी नदीम आलम के साथ शशि भूषण, पिपरासी ठकराहा तटबंध से आज तक। बिहार के बगहा में बांध टूट गया है। वाल्मीकि नगर के विधायक रिंकू सिंह मौके पर पहुंचे। रिंकू सिंह जेडीयू के विधायक है, यानी सत्ता पक्ष से है, और मौके पर मुआयना के बाद उन्होंने खुद खुलासा किया कि कैसे बांध बनाने में धांधली हुई।
और आप स्थानीय विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं आप, क्या दिख रही है आपको, कुछ कमी दिख रही है क्या, क्यों यहाँ तटबंध में धसान अचानक से होगी जबकि काम इस साल मेंटेनेंस का हुआ जैसा अधिकारी बता रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी दो चीज यहाँ पे, एक तो ये जो आप यहाँ का जो बालू देख रहे होंगे ये बालू बिल्कुल दूसरे तरह का है। यहाँ पे कम से कम बोल्डर वाला जो फ्लड फाइटिंग का जो एंटी इरोजन काम होता है वो बोल्डर वाला काम होना चाहिए। बोल्डर वाले काम की जगह यहाँ जो है सो जियो बैग का काम किया जाता है, और जियो बैग में भी ये जांच का विषय है कि सिर्फ दो लेयर जियो बैग दिया गया, उसके बाद नीचे एनसी का काम किया गया है, क्या एस्टीमेट में एनसी था या नहीं था। सबसे बड़ी जांच का विषय तो यह कि अगर एनसी था तो कितना था और जियो बैग था तो कितना था। बिल्कुल, चूंकि यहाँ पे देखने पे हम लोगों को जो लग रहा है सिर्फ दो लेयर जियो बैग का काम किया गया, उसके नीचे एनसी का काम, और एनसी का काम भी सिर्फ एक ये में किया गया है, बाकी उसके नीचे सिर्फ मट्टी दिखा, सिर्फ और सिर्फ मट्टी दिखा जा रहा है। तो मैंने मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जांच का विषय है। लोग यहाँ पे सरकार को बदनाम कर देते हैं, संवेदक के द्वारा सरकार की बदनामी होती है, जबकि हमारा सरकार पूर्ण पैसा देता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पूर्ण ये होता है कि जियो बैग क्या और अंदर नीचे क्या कमी आपको दिख रही है? आप खुद यहाँ मौजूद है, जरा बताइए हमको आम लोगों की भाषा में जो लोग समझ पाए। देखिए आम लोगों की भाषा में वही चीज है कि जियो बैग का जो काम किया गया उसके नीचे आप देखिए एनसी का काम किया गया, तो क्या ये मानक के अनुरूप है या नहीं है, क्या ऐसा काम एस्टीमेट में है या नहीं, और एस्टीमेट भी अगर नीचे एनसी का है तो फिर जियो बैग का कितने लेयर का काम करना था, क्योंकि यहाँ पे देखने से सिर्फ तीन लेयर आप देख रहे हैं जियो बैग का काम हुआ, उसके बाद तीन या दो लेयर जियो बैग का काम हुआ, उसके नीचे एनसी का काम हुआ। तो मुझे तो लगता है ये मानक के अनुरूप काम कहीं से भी सही नहीं, और ना ही मानक के अनुरूप ये काम हुआ है। एनसी का काम हुआ मतलब जो आप देख रहे हैं जैसे ये लोकल जो सफेद बोरा होता है ना, जो लोकल बोरा भर के उसमें लगा दिया जाता है, मुझे नहीं लगता ये एस्टीमेट में होगा। नेपाल में ज्यादा बारिश और बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से पूर्वी यूपी और उत्तरी बिहार में नदियां उफान पर हैं। बुधवार को सीएम योगी ने लखीमपुर और पीलीभीत समेत कई बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। कुछ इलाकों में सीएम योगी बोट पर एनडीआरएफ की टीम के साथ नजर आए। उधर बिहार में कोसी नदी भी तबाही मचाने को बेकरार दिख रही है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ से हालात बेकाबू होने लगे हैं। यूपी के कई जिलों में सैलाब लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। पानी का प्रकोप जानलेवा बने उससे पहले ही सीएम योगी ने खुद ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बाढ़ से जूझ रहे इलाकों का एरियल सर्वे कर रहे थे तो नीचे कैसे खेत तालाब में तब्दील नजर आए। सीएम योगी ने अधिकारियों को बाढ़ से हो रहे नुकसान का आकलन करके प्रभावित लोगों की मदद के निर्देश दिए हैं। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री योगी ने लखीमपुर खीरी में कई किलोमीटर तक बोट पर बैठकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। देखिए एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट पर बैठे सीएम योगी लगातार अधिकारियों को जल्द से जल्द राहत बचाव का काम शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहाँ पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। वहीं लखीमपुर खीरी में कल तक शारदा नदी में आई बाढ़ के चलते हवा में झूल रही रेलवे लाइन आज शारदा नदी में गोते लगाते दिखी। आज नदी में डूबी रेलवे लाइन का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शारदा नदी में आई बाढ़ के चलते मैलानी से पलिया रूट पर रेलवे ट्रैक बाढ़ की भेंट चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सीएम योगी पीलीभीत के बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने के लिए भी लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने स्थानीय